हेलो दगड़ियो, नमस्कार। पहला कशा आप लोग, उम्मीद करनु कि सब लोग ठीक है नला। मैं बिल्कुल ठीक छू। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग रूम से हो रही है अपने। तो आज मेरा ना फिर से मन कर रहा था यही खाने का, प्रसाद। क्या है ये? सूजी और आटे को भून करके उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के ये सब कुछ, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आज हमने नाश्ते में हलवा खाया, रोटी भी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा हलवा भी था। तो मम्मी ने मेरे लिए अलग से ये निकाल दिया, काफ़ी टेस्टी हो रहा है ये। तो अभी 11 बज चुका है, खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज दिन के खाने में बना रही हूँ राजमा चावल। तो प्याज टमाटर सब मैंने काट दिया है, हरी मिर्च ख़त्म हो गई है, तो ऊपर हरी मिर्च लेने जा रही हूँ। और कुछ कपड़े हैं वो भी धोने हैं, तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। तो मैं आ गई हूँ ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे पेड़ में इतनी सारी हरी मिर्च हो रही है ना, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रहा हरी मिर्च का पेड़। हरी मिर्च मैंने तोड़ दी है, अभी इतनी थोड़ी क्योंकि आज दिन के लिए और रात के लिए तो हो ही जाएगा, फिर जब चाहिए होगा फिर आ जाऊँगी तोड़ने के लिए। तो मिर्ची तोड़ के मैं आ गई हूँ, और मम्मी पापा घर पे नहीं है, वो दोनों कहीं, मतलब हमारे खेत के जस्ट बगल वाले खेत में आज धान रोपाई हो रही है, जहाँ हमने धान की रोपाई करी थी ना पहले, जो बीच में मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो उसके जस्ट बगल वाले खेत में आज रोपाई हो रही है। तो मम्मी पापा वहीं गए हुए हैं। तो बस अब मैं खाना पीना बनाती हूँ, फिर 12 1 बजे तक मम्मी लोग भी आ जाएंगे खाना खाने के टाइम पे। तब तक करते हैं खाना रेडी। और आज तो मेरी फेवरेट दाल बन रही है। वैसे तो मुझे साबुत मिक्स दाल पसंद है और राजमा चावल भी पसंद है, मतलब फेवरेट है मेरी साबुत मिक्स दाल, जिसमें सोयाबीन सब कुछ होता है, मतलब चना राजमा मसूर, पता नहीं, मतलब मेरी मम्मी बनाती थी, मायके वाली मम्मी बनाती थी, मम्मी को पता होगा मम्मी इसमें क्या क्या डालती है। तो यहाँ तो चने की या राजमा वाली दाल बनती है, फिर वाली दाल नहीं, कम बनती है, मैंने अभी तक जो मायके में बनती है वो दाल यहाँ नहीं खाई है। तो फिलहाल आज राजमा चावल बना रही हूँ मैं, उसमें मैंने मसूर की दाल भी मिक्स कर रखी है और थोड़ा लोबिया भी मिक्स कर रखी है। तो चलिए फिर जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो खाना पीना बन के तैयार हो चुका है और मम्मी पापा धान रोपाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, तो जैसे ही मम्मी पापा आएंगे फिर खाना पीना खाने लग जाएंगे हम। 1:30 भी बज गया है और दापका नदी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और मौसम भी ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये देखिए, ये मौसम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। और दापका नदी में ना काफ़ी भीड़ जैसी भी हो रही है, पता नहीं क्यों, मैं काफ़ी देर से वही देखने में लगी हूँ, हो सकता है कि क्रॉस कर रहे होंगे ना। और क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ गया था आपका नदी का, क्योंकि कल रात बहुत तेज़ बारिश आई थी, परसों भी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ गया है। अब ऐसा होता है ना, क्योंकि उस साइड किसी को अगर जाना होता है तो 2-3 लोग हाथ पकड़ के क्रॉस करते हैं, कि अकेला इंसान नहीं जा सकता दापका को पार करके, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है, बहा के ले जा सकता है ना, इसलिए अकेला इंसान क्रॉस नहीं कर सकता, 2-3 लोग हाथ पकड़ के क्रॉस करते हैं। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं जूम करके, अगर आपको दिखेगा तो। ये देखिए, वहाँ पे कुछ लोग उस साइड पे खड़े हैं और ये 3 लोग लेके जा रहे हैं किसी को, आराम से एक एक दो दो करके ना क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। तो 2:30 बजने वाला है, हम लोग का खाना पीना हो गया है। मम्मी पहले खा के चले गई थी और पापा अभी आए, पापा अभी खा के गए हैं, मैंने और मम्मी ने साथ में खाया खाना। और उस टाइम पर मैं दिखा रही थी ना कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं करके, तो वो स्कूल के बच्चे थे, मैंने मम्मी को बताया ना, तो मम्मी बोल रही थी ये टाइम स्कूल के बच्चों का आने का है, तो वो लोग क्रॉस कर रहे होंगे, देख रहे हो, मतलब बच्चे स्कूल के ना यहाँ से उस साइड से आते हैं और इतना क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है, क्योंकि जो रोड वाला रास्ता है वो बहुत लंबा है, वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इस वजह से उन्हें दापका क्रॉस करके जाना पड़ता है। हाँ, काफ़ी मुश्किल होती है वैसे बच्चों के लिए ना। और अब हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है, मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा वो वाला हो रहा है, क्या बारिश वाला हो रहा है, देख रहे हो पूरा हर जगह से, अच्छा हो रहा है वैसे मौसम, काफ़ी दिनों से थोड़ा ठंडक है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है हमारे वहाँ पे, जब से पानी आ रहा है, मतलब 3 दिन हो गए होंगे आज,
तो 3 दिन हो गए होंगे आज हमारे वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। अब वही है, या बारिश ही आएगी अब या पानी आएगा। तो सही है, बारिश आ रही है, सही है। हमने इतना पानी स्टॉक कर रखा है कि अभी चल जाएगा 2-3 दिन और, लेकिन बीच बीच में आ जाना चाहिए पानी, क्योंकि इतना पानी भी स्टॉक करके नहीं रख सकते ना हम लोग। तो चलिए फिर अभी रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को आप लोगों से। हे एवरीवन, तो अभी बज रहा है शाम के 6, तो बस अब घूमने जाने का टाइम हो चुका है। सब्जी मैंने बना दी है, आटा गूंथ के आ गई हूँ। आज सब्जी में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी। तो चलिए फिर चलते हैं। साथ में लेके जा रही हूँ दूध की बाल्टी, और मम्मी नहीं आएंगी आज, क्योंकि आज मम्मी धान रोपाई में गई हुई है, और आज मैं चाची लोग के साथ ही जाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर को। जॉनू, आप मेरा वेट कर रहे हो? जॉनू बच्चा मेरा वेट कर रहा था। तो अभी चाची लोग आए नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ बाहर से। तो चले फिर, चाची का कॉल आ गया, अब चलते हैं। पापा मैं गई हाँ, ठीक। तो चले फिर, पापा हैं घर पे, मम्मी तो अभी आई नहीं है घर पे, चलते हैं। तो 9:30 हो गया है, खाना पीना हम लोग का हो गया है। दूध मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो तब पीऊँगी। और आज मैंने अपना शैम्पू ऑर्डर किया था, मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। ये है ट्रेस्मे का शैम्पू, 1 लीटर वाला। तो मैं 1 लीटर वाला ही मंगाती हूँ ज़्यादातर, बहुत कम केस होता है जब मैं 1/2 लीटर वाला मंगाती हूँ। ऐसे 1 लीटर वाला ही मंगाती हूँ, क्योंकि एक तो क्या है कि जितना बड़ा पैक मंगाओ उतना सही भी पड़ता है, और फिर बार बार कौन मंगाए ना, क्योंकि मैं यहाँ से तो परचेस करती नहीं हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो ऑनलाइन मंगाने में मुझे सही पड़ता है, 50% डिस्काउंट में मिल जाता है मुझे ये जब भी मैं मंगाती हूँ। लेकिन मैं मंगाती तभी हूँ जब डिस्काउंट 50% या 50% से ऊपर चल रहा हो, इससे नीचे मैं नहीं मंगाती हूँ। साथ में कंडीशनर भी मंगाया, मतलब दोनों का कॉम्बो पैक था ये, तो दोनों मैंने 50% में मंगाए हुए हैं। और जो मेरे साथ शायद पहले से बने हुए, उन्हें पता होगा मैं ट्रेस्मे शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। और वैसे तो आजकल नायका में सेल चल रही है, मैं हमेशा नायका से मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा डिस्काउंट नायका में ही मिल जाता है। तो नायका में आजकल डिस्काउंट चल रहा है 50% का, तो इसलिए मैंने परचेस कर लिया। मैंने कहा ख़त्म तो होने वाला है, तो इसलिए मैंने परचेस कर लिया। तो कुछ कमेंट है आप लोग के, तो मैं सोच रही हूँ उनके रिप्लाई कर देती हूँ। तो पहला कमेंट है कविता रावत जी का, ये पूछती हैं, नाइस ब्लॉग पूनम, अपना ख्याल रखना, और आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? तो मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा सा राउंड फिगर करके बता रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगी। तो राउंड फिगर करके मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 2000 हैं। जब 5000 हो जाएंगे तो आपको भी शो हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने अपना टारगेट बनाया कि जब मेरे 5000 हो जाएंगे तो मैं थोड़ा उसे पब्लिश कर दूंगी, दिखा दूंगी आप लोगों कितने हैं। तब तक मैंने हाइड करे हुए हैं, तब तक आपको भी दिखेंगे नहीं। तो अगला कमेंट है चंद्रकला दत्त जी का, ये पूछती हैं आपकी सैलरी आई क्या अभी तक? तो मेरी सैलरी नहीं आई अभी तक, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 महीनों में आ जाएगी, और जब भी आएगी मैं आप लोग के साथ पक्का शेयर करूंगी अपनी पहली सैलरी। तो फिलहाल अभी तो नहीं आई है। अगला कमेंट है नीता भगतवाल जी का, ये पूछती है दी आपने बाल स्ट्रेट करवा रखे हैं? तो हाँ जी, मैंने बाल स्ट्रेट करवा रखे हैं। मैंने अपने बाल ना 2 बार करवा रखे हैं, मतलब मैंने केराटिन और स्मूथनिंग करवा रखी है और 2 बार करवाई है। एक तो मैंने 2020 में करवाई थी सितंबर में, और शादी से पहले, और दूसरा मैंने अभी शादी के बाद करवाई है 2021 में नवंबर में, मतलब 1 साल बाद। तो दूसरी बार भी मैंने केराटिन और स्मूथनिंग ही कराई, क्योंकि मैंने जो पहली बार कराई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था केराटिन और स्मूथनिंग। शायद मैं रिबॉन्डिंग या कुछ और करवाती तो शायद डैमेज हो जाते, लेकिन केराटिन और स्मूथनिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यही करवाए। तब से मेरे बाल ऐसे ही हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं आया। बल्कि उन्होंने जो मुझे शैम्पू सजेस्ट किया था लॉरियल का, वो मैंने यूज़ नहीं करा, सिर्फ एक ही बार किया था जब मैंने पहली बार लिया था, वही यूज़ किया। उसके बाद से मैं हमेशा से यही यूज़ कर रही हूँ ट्रेस्मे, और ट्रेस्मे शैम्पू से सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे ये शैम्पू। तो पहले क्या होता था ना, मेरे जो बाल हैं वो आगे से हल्के कर्ली टाइप के हो जाते थे, मतलब जो बेबी हेयर है वो हल्के कर्ल टाइप के आते थे, और बालों में भी हल्की वेव थी, मतलब स्ट्रेट नहीं थे, ऐसे 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 वेव थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मुझे कोई हेयर स्टाइल भी नहीं आती थी।
इस वजह से मैंने बाल अपने केराटिन और स्मूथिंग करवाई बालों में। तो बस यही है, और अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन हो तो आप ऐसे मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उनके रिप्लाई एक साथ कर दूंगी। तो बस, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।